हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही मटर मशरूम। शाही मटर मशरूम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और शादियों में बनाया जाता है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम मशरूम लिया था, जिसको धुल करके काट लिया है। इस मशरूम को हम 500 मिलीलीटर पानी में उबाल लेंगे। और ये मैंने 200 ग्राम फ्रेश मटर ली है, मटर को भी इसी के साथ उबाल लेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच नमक। 5 मिनट हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और मसाला पीस करके तैयार करेंगे। मसाले के लिए 1 टमाटर मोटे छिलके वाला बिल्कुल लाल टमाटर लेना है, 3 लाल मिर्च, लाल मिर्च को आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, और 4-5 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें डालेंगे साबुत धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा पानी डालेंगे आधा कप, और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। सभी चीजों को हमने पीस लिया है। और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल को गर्म होने के बाद में बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज एकदम से लाल हो गई है, प्याज को भुनने के बाद में ये पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे जो हमने मसाला पीस के रखा है। और मसाले को इतना भुनना है कि मसाले से तेल अलग हो जाए। प्रोसेस को करने में 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर लग जाते हैं। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। मसाला इसी तरह से भूनना है, तभी सब्जी में अच्छा टेस्ट आएगा। ये काजू का पेस्ट है, 8-10 काजू लिए थे, उसको आधा घंटा दूध में भिगो दिया था, उसके बाद उसको दूध के साथ ही पीस लिया है। डाल देंगे काजू का पेस्ट है, ये भून लेंगे इसको 1 मिनट। 3 चम्मच खोया मावा है। शादियों में जब भी मसाला मटर मशरूम बनाया जाता है तो ये खोया जरूर डाला जाता है। अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। सभी चीजें अच्छे से पक गई हैं और मशरूम हमारी उबल गई है, मटर और मशरूम। तो अभी जितना आपको पानी डालना है, जितनी पतली ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी इसके अंदर डाल लेंगे। इसी का पानी डालेंगे। ये मशरूम जो है थोड़ा पानी छोड़ देंगे, देखिए एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। और मटर एकदम से सॉफ्ट हो गई है, तो ये तैयार है इस तरह से। जितनी पतली ग्रेवी आपको चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल दें। मटर और मशरूम डालने के बाद इसको 4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। और ये मैंने पैन में 1 चम्मच देसी घी लिया है, गैस बंद करके थोड़ा ठंडा होने देंगे। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि उबलते हुए भी हमने मटर और मशरूम में नमक डाला था। अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी में हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, केवल कलर के लिए डाली जाती है। अच्छे से मिला देंगे और इसमें डाल देंगे। शाही मटर मसाला मशरूम बनकर के तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, पुलाव, पूरी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।